मैं हैरान हूं तारा कि एक आदमी जिसको मैं एक अरसे से अपना क्लाइंट बनाना चाह रहा था आज खुद फोन करके यहाँ आ रहा है एंड ही इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू एंटरटेन हिम. सर आपने उनका नाम तो मुझे बताया ही नहीं. मिस ओह माय गॉड व्हाट अ लॉन्ग लाइफ देयर ही इज. It's really a great honor to have you here with us, sir. Good evening, Mr. Seth. It's a pleasure meeting you. My pleasure, sir. Milie, Seth chain of hotels ki public relation officer. Kya feel tha raha? Aap kaise hain, papa? Papa? You mean, main jo sun raha hu wo sahi suno? Ji haan, sir. Mr. Ashok Sehgal, hamari aaj ki shaam ke khaas mehman. Mere papa hain. और मिस तारा सहगल आपकी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मेरी बेटी है. मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज शाम के खास मेहमान तुम्हारे पापा हैं. खैर छोड़िए, जब हम मिल गए हैं मुझे यकीन है कि आज की शाम यादगार शाम रहेगी. इत्तेफाक से. इत्तेफाक से सही. I'm not surprised. हैरानी तो मुझे है. हैरानी तो आप दोनों को डेफिनेटली होगी कि आप इत्तेफाक से यहाँ मिल रहे हैं. Anyway, let's sit down. Nice place. Thank you. क्या लीजिएगा? विस्की से शुरुआत की जा सकती है. Why not? दो विस्की, सोडा पानी. On the rocks. मेरे लिए सोडा. तुम क्या लोगी तारा? Sir, कोई भी soft drink sir. Why don't you have some wine? No sir, I don't drink liquor. शर्माओ मत तारा. Have a drink. अरे तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं. और अगर तुम्हें डर है कि तुम हमेशा की तरह कहीं ज्यादा पी के बहक जाओगी, अरे तो मैं तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर तक छोड़ाऊंगा. क्या? A wine for the lady. Yes, sir. And that'll be all for now. Thank you. Okay, sir. Thank you. मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा अब तक कि आप तारा के पापा हैं. आप तो क्या, आप जैसे और भी कहीं हैं जिन्हें यकीन नहीं आता कि तारा मेरी, I mean अशोक सैगल की बेटी है. मैं कुछ समझा नहीं. समझेंगे भी नहीं. I mean समझेंगे, लेकिन समझने में थोड़ा वक्त लगेगा. तारा और मेरा खून का रिश्ता जरूर है, लेकिन दूरी भी उतनी है जितनी जमीन और आसमान में होती है. हाँ जी, मुझे तो खुद समझने में कठिनाई होती है कि तारा जैसी लड़की का बाप मैं हूँ. ब्रावो पापा, मैं तो सोचती थी शायद मैं ही ऐसी हूँ जो आज तक ये नहीं समझ पाई कि मैं आपकी बेटी कैसे पैदा हो गई. रही बात दूरी की, मुझे तो लगता है हम इतने करीब हैं जैसे कि पेड़ के पास कुल्हाड़ी. कोई उठा के मारे तो पेड़ कटने से बच नहीं सकता. बात हो, बात हो. I must congratulate you on your selection of words, तारा. मुझे गर्व है कि तुम्हारी पढ़ाई पे जो मैंने पैसा खर्चा है वो जाया नहीं हुआ. Good. Cheers to that. Cheers. Cheers. Oh-ho. हमारे साथ एक सिप तो ले लो. अरे वाइन ही तो है, तुम्हें तो इससे कई ज्यादा हार्ड लेकर की आदत है. मैं शराब नहीं पीती. I'm sorry, sir. मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए. कहीं ऐसा ना हो आपकी ये खूबसूरत शाम मेरे कारण एक बुरा सपना बनकर रह जाए. पापा और मैं तो यूज्ड टू हो चुके हैं ऐसी बातों से. मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई तारा. सेठ साहब की तुम चिंता मत करो. मैं यकीन दिलाता हूँ कि आज की शाम मिस्टर सेठ और मेरे लिए जरूर यादगार होगी, और शायद तुम्हारे लिए भी. मिस्टर सेठ, आपको एक बात बताना मैं अपना फर्ज समझता हूं. तारा इज अनरिलायबल. शी इज एन अल्कोहलिक. कई बार इतना ज्यादा पी लेती है कि उसे होश नहीं रहता. मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी आपके लिए सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट बन जाए. पापा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मिस्टर सैगल कि आज हम तीनों यहां इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि आप अपनी बेटी के साथ कुछ पुराने हिसाब किताब चुका सको, ताकि आप मेरे सामने उसके बारे में कुछ ऐसी बातें करो जिससे उसकी बेइज्जती हो. बल्कि मैं तो ये समझ रहा था कि आप हमारे एक खास मेहमान हैं जो हमारे होटल के लिए भी खास रहने वाले हैं. आप बिल्कुल सही सोच रहे थे. मैं आपके और आपके होटल के लिए बिल्कुल खास रहूंगा. अगर आप मेरी एक बात माने तो. मानो कि मैंने आपकी बात मान ली, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? बिना बात बताई बता दूं? जी हाँ.
चलिए ठीक है, अशोक सहगल ग्रुप ऑफ कंपनीज का एनुअल एंटरटेनमेंट बजट 7 करोड़ है, आप चाहें तो ये रुपया मैं आपके होटलों में खर्च कर सकता हूं। और वो बात क्या है जो मुझे माननी पड़ेगी? तारा सहगल यहां नौकरी नहीं करेगी। ओह, आई सी। और अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो? You must be joking. I really admire your confidence, Mr. Ashok Sehgal. मैं आपकी बात मानने के लिए मजबूर नहीं हूं। Are you sure? Yes, I'm sure. 7 करोड़ का बिजनेस तो आप ठुकरा ही रहे हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि मैं आपके लिए और भी हानिकारक साबित हो सकता हूं। जितनी कोशिश करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को खड़ा करूंगा और वो करेगी तुम्हारा सामना। एंड नाउ आई सजेस्ट यू मे लीव प्लीज। मैं तुम्हें देख लूंगा दीपक से। और देख लेना सैगल साहब, देख लेना। बल्कि मैं भी चाहता हूं चैलेंज, एक ऐसा चैलेंज जिससे मैं उस होटल को उस बुलंदी तक पहुंचा सकूं जहां से कोई छू ना सके। गुड बाय। थैंक यू। मेरा दम भी यहां घुट रहा है, कहीं कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां वाकई इस शाम को यादगार बना सके। लेट्स गो। तारा, जब भी मेरा मन उदास होता है, मेरा दम घुटने लगता है, मैं यहां चला आता हूं खुली हवा में, और तुम्हारा 7 साल की उम्र से यह हाल है और तुमने ऐसी कोई जगह नहीं ढूंढी जहां तुम खुल के सांस ले सको। लेकिन आज अपने बारे में जो सच्चाई तुमने मुझे बताई है, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद थोड़ा हल्का महसूस कर रही होगी। तारा, पुरानी और बुरी यादों के बादलों के पीछे अपने दिल और दिमाग को मत ढक कर रखो। जस्ट फॉरगेट देम, दे आर नॉट वर्थ इट। भूल जाओ उन्हें। जिंदगी में अगर जीना है तो हर पल को नया समझकर जियो। पिछले पल के साथ इस पल को मत जोड़ो। वक्त हर चीज को बदल देता है, और डर बहुत ही खतरनाक चीज है। तुम जितना उससे दूर भागना चाहो वो उतना तुम्हारे करीब आ जाता है। इसलिए जस्ट थ्रो इट अवे एंड फील फ्री, या फिर उसका सामना करो। एक्चुअली डर उस बिना दांत के कुत्ते की तरह है, जो काट तो नहीं सकता लेकिन उसके गुर्राहट बहुत भयानक होती है। लेकिन अगर उसका सामना करो तो वह दुम दबाकर भाग जाता है ना। थैंक गॉड तुम थोड़ा सा मुस्कुराई तो सही। अब थोड़ा हंस दो प्लीज, हंस दो। अच्छा हंस दो तो मैं एक बात बताऊंगा। अच्छा मैं बताऊं कि मैं तुमसे नाराज क्यों था, गुस्सा क्यों था? क्यों थे? एक्चुअली क्या था कि तुम छुट्टी पर थी और मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तारा, आई लव यू। आई लव यू तारा, प्लीज। एंड डोंट कॉल मी सर, से दीपक। दीपक, आई लव यू तारा, आई लव यू। अरे तुम यहाँ कब आई? 2 मिनट पहले। मुझे पता ही नहीं चला। इसीलिए तो नाचीज को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का चुपचाप से बैठ जाना, इससे उसका क्या ताल्लुक है? वो ऐसा है कि हम जर्नलिस्ट लोगों को घटना स्थल पे इस तरह से मौजूद रहना चाहिए कि दिखाई या सुनाई न दे। अच्छा, वेटर 2 आइसक्रीम लाना, वेनिला। आज हम भी बहुत मूड में हैं। वो क्यों?
वो इसलिए कि मिस्टर प्रतीक नंदी साहब ने हम दोनों को एक असाइनमेंट के लिए फिक्स किया है। बड़ी असाइनमेंट वो हमें क्या देंगे, बड़ी बातों के सिवाय वो कुछ नहीं कर सकते। बड़ी बातें तो सिर्फ वो तुमसे करते हैं, मेरे साथ तो सिर्फ बिजनेस। उन्होंने हम दोनों को एक कलर फीचर के लिए अपॉइंट किया है, किसी भी सोशल प्रॉब्लम को लेकर। रियली? I can't believe it. कलर फीचर और हमें? अब मुझे भी कुछ बढ़िया काम करने का मौका मिल जाएगा। और मुझे भी। उस कलर फीचर के हमें 7,000 रुपया महीना मिलेगा, जो कि हमारी रेगुलर इनकम होगी। और ऊपर से जो भी छोटा मोटा काम मिलेगा वो हमारा एडेड बोनस हो जाएगा। करेक्ट। और हम अपना खर्चा उसी से करेंगे। और 7,000 रुपये से क्या करेंगे? फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करके रखेंगे। किसके फ्यूचर के लिए? हमारे फ्यूचर के लिए। नो गोविंद, अगर हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करके नहीं रखेंगे तो घर कैसे खरीदेंगे? घर? ओ घर, आई मीन मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता था। तुम भी? यहाँ और कौन है जो मुझसे कुछ कहना चाहता है? ओफो, आई मीन जो तुम मुझसे कह रही थी वो मैं भी तुमसे कहना चाहता था। आज तुम बहुत अजीब बातें कर रहे हो। खैर बोल लो, तुम भी मुझसे क्या कहना चाहते थे? अर्जू, मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? Do you love me? हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम्हारे साथ क्या यूं ही घूमती, रेस्टोरेंट में घंटे घंटे भर यूं ही बैठी रहती? यूपी, वेटर, दो और आइसक्रीम ले आना, फिर दो और, फिर दो और, लेट्स सेलिब्रेट, फिर दो और आइसक्रीम ले आना। ओफो, अब और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? बस 15 मिनट और। लेकिन ऐसा क्यों है कि एमटीए ऑफिस में ठीक 12:05 पर ही जाना होगा, वरना मैं अंदर नहीं जा सकती? वो क्योंकि एमटीए ऑफिस में मुझे और मेरे स्टाफ में से किसी को भी अंदर जाना मना है। वो रिसेप्शनिस्ट 12 चाय के लिए जाएगी, तुम तब चुपचाप अंदर चली जाना कंट से मिलने के लिए। लेकिन तुम्हारे ऑफिस से सबको उस एजेंसी में अंदर जाना मना क्यों है? वो क्या है कि एमटीए वाले अपने स्टाफ को मंथली सैलरी देते हैं अपने लिए काम करने के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। मुझे जब भी अपना काम होता है मैं चुपचाप अंदर जाके अपना काम करके चला आता हूँ। पहले मैं इस ऑफिस में खुलेआम जाया करता था एज ए गेस्ट ऑफ करण, लेकिन जब से इन लोगों को ये पता चला कि मैं ऑफिस में कुछ ज़्यादा आता हूँ तो उन्होंने इंक्वायरी की। इंक्वायरी से पता चला कि मैं अपना काम करने अंदर आता हूँ, तब से उन्होंने मेरी और मेरे स्टाफ वालों की एंट्री हमेशा के लिए ऑफिस में बंद कर दी। लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ? शीना, अगर रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह पर होगी तो वो रजिस्टर में तुम्हारी एंट्री करवाएगी, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम ये गलती जरूर करोगी। ओ वाओ रोहित, मुझे तुम्हारी प्लानिंग पे कॉम्प्लीमेंट देना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच मैडम। वैसे प्लानिंग तो मेरी हमेशा से ठीक रही। इनफैक्ट मैं तुम्हें अपनी एक और प्लानिंग के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे मेरा फ्यूचर प्लान हो सकता है। लेकिन जो तुम कहना चाहते हो वो पर्सनल है या प्रोफेशनल? पर्सनल, वही पर्सनल। फिर तो तुम्हें मुझे लंच टाइम में बताना पड़ेगा। तारा ने मुझे सख्त इंस्ट्रक्शन दी है कि मुझे ज्यादा पर्सनल बातें ऑफिस आज में नहीं करनी चाहिए, वरना मेरी नौकरी छूट जाएगी और उसके साथ 2 ट्रेजेडीज हो जाएंगी। अच्छा, कौन कौन सी? पहली तो मेरी सैलरी नहीं मिलेगी, और दूसरी मैं अपनी बियर कैसे खरीद सकूंगी। ये तो मैं भूल ही गया। अच्छा, ये है मेरी लाइफ की तीसरी ट्रेजेडी। I am Denny Hingolani, MABFT, PhD. काफी पढ़े लिखे हैं। पहले मतलब तो पूछ लो। जी वो दरअसल मैं समझा नहीं। अरे बड़ा सिंपल है बाबा, MABFT मतलब मैजिक अपीयर्ड बट फेल थ्राइस, PhD मतलब पास हाई स्कूल विद डिफिकल्टी। डेनी साहब, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अच्छा, मेरा नाम रेडियो में आया? नहीं नहीं, वो दरअसल शीना ने बताया है। मेरे को भी आपके बारे में बहुत बोलती रहती है छीना। अच्छा अच्छा, तब तो लगता है कि मेरे फ्यूचर प्लान के कामयाब होने के बहुत चांसेस हैं। पता नहीं इस इडियट को हमारा एड्रेस कैसे मिल गया। अरे याद नहीं, तुमने तो दिया था मेरे को एड्रेस, MH02B1813 है ना। और डैनी को बॉम्बे शहर में कोई एड्रेस नहीं मिले, अच्छा तो हो ही नहीं सकता है। मैं भी पागल हूँ जो इसको एड्रेस दे दिया अपना। आपका मतलब है कि कार के नंबर से आपको ये ऑफिस मिल गया? और नहीं तो क्या, ये जो डेनी है ना डेनी, ये BKGGJ है, BKGGJ। BKGGJ? नहीं जानता है? नहीं। अरे ये भी बड़ा सिंपल है,
बॉम्बे का गली गली जानता है डैनी बीके जीजी दे। ओ डैनी, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा स्टूपिड बंदा नहीं देखा। मैं बंदा कहाँ है, मैं तो लवड़ है, बल्कि लवड़ बॉय बोलो। ओ शट अप, रोहित के अभी 12 नहीं बजे हैं। ओ 12 बज गए, यू मस्ट हरी अप, कम ऑन शीना। या या आई विल गो, कम ऑन डैनी, प्लीज डैनी। सुनो तो सही, तुम कहाँ जा रही हो? डैनी प्लीज एक बार मेरा नाम ठीक से ले दो। शीना, 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 shut up, I mean shut up, stupid। कहिए। अरे सुनिए, ये शीना कहाँ गई है? घबराइए नहीं, काम से गई है, जल्दी वापस आ जाएगी। काम से? कहाँ पे? सामने वाली बिल्डिंग में। Excuse me, ये करण जी का ऑफिस है? जी हाँ, मैं ही करण हूँ। ओह हेलो, मेरा नाम शीना प्रताप सिंह है, मैं रोहित मेहोत्रा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग से आई हूँ। रोहित जी ने मुझे आपके पास भेजा है। बैठिए। थैंक यू। रोहित से वैसे मेरी बात हुई थी और मैंने उसके पेपर्स भी तैयार कर लिए हैं, ये लीजिए पढ़ लीजिए। दिस इज फॉर यू। थैंक्स। Fantastic! आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं सिर्फ अपने घर का किचन चलाने के लिए लिखता हूँ। असली लिखना तो घर पर होता है, as a writer, as a freelancer. You know, future में मैं एक बहुत बड़ा writer बनने वाला हूँ। अच्छा? That's great. Actually, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी बनूँ। You know, वैसे रोहित के साथ आप काम क्या करती हैं? जो रोहित करता है मैं भी वही करती हूँ। वैसे आप जैसी खूबसूरत लड़की को अपने आप को इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। रियली सर? लियो साई, ठंडा पियो। ये क्या है, मैं नहीं पीता हूँ। अरे तो पहले बोलने का था ना, अभी तो पेमेंट कर दिया इसका, अभी तो ढिबड़ी भी खुल गया इसका। यो पियो पियो, सुठो है पियो। एक बात बोलू, छीना के जैसा अच्छा सुंदर छोकरी को ऑफिस में बिठा के वेस्ट नहीं करना मांगता है। अरे उसका तो इतना सुठो ब्यूटी है के पूरे वर्ल्ड का टॉप का मॉडल बनने के काबिल है छीना। ठीक कहते हो, मेरा बस चले तो 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 तो, तो, तो। अगर बाबा मेरा बस चले ना तो मैं तो छीना को घर में बिठा के रखूं, मालकन बना के रखूं, छीना को अपने घर में एकदम छजा के रखूं, छजा के। ओ वो तो क्या है, मेरा बस नहीं चलता है। अच्छा अच्छा। I'm really impressed. I think I'm in love with what you're saying. ऐसा लगता है यही वो प्यार है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रही थी। नहीं, आपको नहीं लगता हमें अपने अंदर उस पोटेंशियल को ढूंढना चाहिए? Can I do this? Am I capable of doing that? अक्सर हम लोग एक ही लाइन पर चलते हुए अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, जबकि हमें पता भी नहीं कि हम इस दुनिया में दरअसल कुछ और करने आए थे। आप कितना अच्छा बोलते हैं करण, मैं भी यही सोचती हूँ कि मुझे भी मॉडल बन जाना चाहिए। जब गॉड ने इतनी खूबसूरती दी है तो क्यों ना उसे इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ खूबसूरती नहीं, दिमाग भी, दोनों का इस्तेमाल होना चाहिए। That's right. मैं अब चलती हूँ, वैसे भी मैंने आपका कीमती वक्त बर्बाद किया। नहीं 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 नहीं, I've got enough time for a beautiful lady. Thank you so much. वैसे लंच टाइम तो हो गया है, why don't you join me for lunch? हम लोग अपने इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नीचे रोहित है, मैं उससे पूछकर आपके साथ लंच पे चलती हूँ। As you wish. Okay. मेरे चार रहेगा तो आज करेगा। लो चाहिए भी आइसक्रीम खाओ। अरे नहीं, मैं नहीं खाता हूँ, ये सब क्या है? ठीक है, वापस करता है, अभी ढक्कन नहीं खुला है, पैसे वापस मिलेगा। सुनो यार, लाओ तो, परेशान कर दिया। वैसे एक बात बोलूं, तुम भी मेरी तरह छीना का बड़ी बेछबरी से इंतजार करता है ना? हाँ तुम ठीक कह रहे हो, दरअसल मैं उसे एक स्पेशल लंच के लिए ले जाना चाहता हूँ, उससे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। अरे मैं भी छीना छे बहुत जरूरी बातें कर करके थका नहीं है, लेकिन छीना आगे मेरी बात को मानता ही नहीं है, बिलीव नहीं करता है। तुम तो करता ना मेरी बात को बिलीव? हाँ कर सकता हूँ, लेकिन छीना क्यों नहीं करता है मेरी बात को? क्यों नहीं बिलीव करता है कि मैं उसको बहुत प्यार करता है? अरे छीना तू मेरे को लिफ्ट क्यों नहीं देती है? पापा लो आ गई लिफ्ट। यू नो मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है कि मैं पहली बार किसी से फर्स्ट टाइम मिली हूँ और फर्स्ट टाइम में उसने मुझे पहली बार लंच पे बुलाया हो और पहली बार मैं फर्स्ट टाइम एग्री कर गई हूँ। क्योंकि तुम पहली बार, I mean, फर्स्ट टाइम किसी स्पेशल आदमी से मिली। ये लो।
एक और फर्स्ट टाइम। ओह गॉड, मैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ पहली बार लंच पे जा रही हूँ और फर्स्ट टाइम उसने मुझे पहली बार किस किया। करण, I think I love you. ये भी खा, लास्ट आइटम है, इसके बाद पैसा खत्म। चलो पकड़ो। नहीं खाऊंगा जे, नहीं खाऊंगा आइसक्रीम, नहीं खाऊंगा, और खाता जब कुछ है। अच्छी है। अरे छीना आ रही है, छीना। ओह करण, यू आर ग्रेट। लेकिन ये छात्र में डंकी कौन है? डंकी नहीं, मेरा दोस्त है करण। रोहित, रोहित, करण ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं उसके साथ लंच पे चलूं। मैं जा सकती हूं ना? हाँ लेकिन जा तो सकती हो, शीना मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है। ओ रोहित, यू आर सो नाइस। वो बात हम कल भी तो कर सकते हैं ना, पर्सनल है तो क्या हुआ, कल भी तो लंच टाइम आएगा। हाँ वो तो है लेकिन। चलो शीना, लेट्स गो। ओके रोहित, ये तुम्हारे पेपर्स हैं, चेक देम अप एंड लेट मी नो। चलो। ओके बाय डैनी, बाय बाय। शीना तो गई? हाँ गई। तेरे को लंच नहीं करने का है क्या? करना तो था लेकिन उसके साथ साथ। क्या चाल, मतलब आज मेरे साथ करेगा तो क्या फर्क गिरेगा भाई? ले मुंडी क्या हिलाता है? अरे बाबा, सुबह से कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना माल खिलाया तेरे को, लंच तो करा मेरे को, रिटर्न तो आना मांगता कुछ? लंच। चलो। पापा आपने मेरी डायरी देखी है? मिस ने लिखा है कि जो नोट है वो आपको बताना चाहिए। कहाँ है तुम्हारी डायरी? वो तो बैग में है। जाओ लेकर आओ। ईशा कहती है संडे को बैग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ओफो, तुम और तुम्हारी ईशा। सुरेखा, जरा बेबी की डायरी लाना। बेटा ईशा की बातों में ज्यादा मत आया करो, तुम जो टीचर कहती है उसे सुना करो। लीजिए साहब। पापा डायरी में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि देवयानी इज अ वेरी नॉटी गर्ल। ईशा कह रही थी कि मिस है ना उसकी डायरी में सब झूठ झूठ लिखती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि योर मिस इज अ वेरी नॉटी गर्ल। अच्छा, इसमें तो मिस ने ये भी लिखा है कि कल पीटीए मीटिंग है। अच्छा, आप आओगे? क्यों नहीं आएंगे? पीटीए मीटिंग का मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग। इसका मतलब मैं पेरेंट तुम्हारी टीचर से मिलने जाऊंगा। आप तो हमेशा आते हो, पर सब बच्चे लोग की मम्मी आती है। ईशा मेरे पर हंसती है। तो तुम्हें भी उस पर हंसना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि तुम्हारी मम्मी इसलिए आती हैं क्योंकि तुम्हारे डैडी के पास टाइम नहीं है। लास्ट टाइम मैंने उससे बोला तो उसने बोली कि ना तुम्हारे डैडी इसलिए आते क्योंकि तुम्हारी मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी कब आएगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देवयानी। ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। थैंक यू। तारा, कल देवयानी के स्कूल में पीटीए मीटिंग है तो ये कह रही थी कि सब लड़कियों की मम्मी आ जाती हैं और इसके पापा जाते हैं। वेरी गुड, दैट मेक्स हर यूनिक। सिर्फ उसके पापा उसके साथ जाते हैं। देखा, मैं भी यही कह रहा था। जी नहीं, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। लवली आइडिया। ऐसा करते हैं कि तुम तारा को साथ ले जाना और अगर टीचर पूछे कि ये कौन है, कह देना कि मेरी मम्मी है। नहीं नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं हो सकती, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। वो जब भी आएंगी मैं उसके लिए वेट करूंगी, लेकिन मैं किसी और को अपनी मम्मी नहीं बनने दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं चाहूंगा तुम्हारे स्कूल में चाहूंगा। मेरी मम्मी होती थी, उसका नाम अनीता सेठ होता था। ये तारा मेरी मम्मी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मेरी मम्मी होती थी, उसका नाम अनीता सेठ होता था। ये